स्टफ्ड कैप्सिकम यानी कि भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए मैंने 3 शिमला मिर्च लिया है, उबले हुए आलू लिए हैं, हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है, प्याज को बारीक चॉप किया है, नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर है। अब हम सबसे पहले इस आलू को मैश करेंगे इस तरह से। हमने आलू को मैश कर लिया है। इस पैन में हम रिफाइंड ऑयल गरम करेंगे। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे और जीरा के चटकते ही हम इसमें हरी मिर्ची भी डाल देंगे। कुछ सेकंड के लिए हम इसे सॉटे करेंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को भी लगभग थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम सॉटे करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे और इसे सॉटे करेंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला और मसालों के साथ हम इसे फिर से 2 मिनट सॉटे करेंगे। अब हम इसमें मैश किया हुआ आलू डालेंगे, इसे मिला लेंगे। लगभग 4 से 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से कुक करेंगे मसालों के साथ। मसाला हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक हमारा आलू का मसाला ठंडा होता है तब तक हम शिमला मिर्च को तैयार कर लेते हैं काट करके। इसके लिए हम बीच में इस तरह से ये बीच में जो बीच का पोर्शन है हमें इसे हटाना है इस तरह से और इसे बाहर निकालना है और इसके अंदर जो बीज है हमें उसको भी निकालना है। देख सकते हैं इसमें ज्यादा बीज नहीं है, खाली है। आप देख सकते हैं हमने शिमला मिर्च तैयार कर लिया है। अब हम इसमें आलू का मसाला फिल करेंगे। आलू का मसाला फिल करने के लिए हम इसमें से आलू लेंगे थोड़ा थोड़ा करते करते और छोटी चम्मच से हम इसमें डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने ये बड़ा कैप्सिकम लिया है, आप चाहे तो इसे छोटे साइज का भी ले सकते हैं और इसको पूरा अंदर तक हमें फिल करना है स्पून से, ऐसे दबा दबा करके। बिल्कुल नीचे बेस तक जाना चाहिए मसाला, तभी इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। हमने सारे कैप्सिकम को फिल कर लिया है। अब हम इसे कढ़ाई में कुक करेंगे। अब हम इस कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लेंगे और इसे गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे इस तरह से। गैस का फ्लेम लो है, लो ही रहेगा और हम इसे कवर कर देंगे। बीच में हम इसे हर 2-2 मिनट पे कवर को हटा के टर्न करते रहेंगे। अब हम कवर को हटाएंगे और इसको टर्न करेंगे इस तरह से। फिर कवर कर देंगे और फिर 2 मिनट के बाद हम इसे टर्न करेंगे।
फिर से कवर को हटाएंगे और इसे फिर से हम टर्न करेंगे। इसी तरह से हम इसे लगातार टर्न करते रहेंगे जिससे कि ये हर साइड से अच्छे से कुक हो सके। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हुआ है। भरुआ कैप्सिकम को हमने अच्छे से कुक कर लिया है। लगभग 15 से 20 मिनट लगे हैं इसे कुक होने में। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। भरुआ कैप्सिकम हमारा बन करके तैयार हो चुका है। आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ या नान के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।